कोई वक्त ऐसा मुबारक होता ना पहले आया था कभी ना क्यामत तक आएगा, ना पहले आया था कभी माजी में ना क्यामत तक आएगा। और किस्मत वालों को कदर होती है तो यही वक्त है मेरा वक्त, और इसलिए मेरी वजह से नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि तुम सबसे जुदा हो। और बातें दोहरानी नहीं है, घड़ी घड़ी कदर नहीं रहती। मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़र अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़ियात क्यों बयान किए गए? बाजी बातों में राज होता है, कम उससे पूछना, नहीं कोई काम मैं करूं। नंबा के साथ फिर आपको फतह इख्तलाफ हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा हमारा नालायकी का वक्त आ गया, तुमने बात नहीं मानी कि तुम ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये तो ऐसे होता नहीं है, न कभी हुआ है, तो मैं खुद नहीं करता था, मैं खुदा रसूल का राजदार था, तो बातें बता देता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। इसलिए थोड़ा सा इशारा किया, यहाँ भी ऐसे होता है, मैं खुद नहीं कुछ करता। तुम लोग ने बहुत कुछ सुना, लेकिन जो यहां से सुना है क्यामत तक ना किसी ने सुनाया है क्यामत, और ना क्यामत तक कोई सुनाएगा। इस वजह से रसूल करीम का कर्म का तकाजा यहां मेरी तरफ आ गया है, औलिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हुआ था ना होगा क्यामत तक। इसलिए सबका लफज नबी करीम ने कहा है, तुम सबसे जुदा हो, तुम सबसे, इसमें अंबिया नहीं है, औलिया सारे हैं, उन सबसे मैं जुदा हूं। जो नबी पर झूठ बोल रहे अपनी जगह जहन्नम में बनाए। अच्छा जी, सच्चे वगैरह निकाल के मैं आ गया हूं, एक लहजा आपसे मुलाकात हो जाए, शायद ये लहजा किसी के काम में आ जाए। वो जो कहते हैं उसको समझने की कोशिश करें, उसमें वजाहत नहीं की जाती। सौ साल इबादत बेरिया इबादत करे मुखलिसाना, सौ साल यक जमाना सोहबत लाओलिया बेहतर सब जमाना बे रिया, रिया नहीं थी लेकिन घड़ी लम्हा मिला उसको वली की सोहबत में, लेकिन था वो वली अल्लाह। ये वाकियात होते रहते हैं, हुए हैं, अब ये वाकियात एक आखिरी मामले में आ गया कि ना क्यामत से पहले आज तक दुनिया बनी आया था, ना क्यामत से आएगा। वो यही लहजात हैं जो मैं गुजार रहा हूं, जिसका कान नहीं, दिल नहीं खुला हुआ, उसका कान खुलने का क्या फायदा, दिल तो उसका बंद है,
वो तो सैर सयाहों की तरह आया हुआ, बुजुर्ग क्या होते हैं, हाँ बुजुर्ग क्या होते हैं।